बढ़ते हैं आगे, एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जो आपके सामने आ रहा है वो है कार ट्रेड। कार ट्रेड में कुछ बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, क्या है वो बड़े डेवलपमेंट बताने के लिए अरमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरमान बताइए, कार ट्रेड के बारे में क्या है इन्फॉर्मेशन? जी सर, सर जैसे ये सारी जो भी कंपनियां हैं जिनमें कोई भी प्रमोटर कैटेगरी नहीं है, उनके लिए जिनका एक रूल होता है कि आप अगर प्री आईपीओ के पहले जो आपकी शेयर कैपिटल थी वो अलॉटमेंट के दिन के बाद से एक साल के लिए लॉक इन रहता है। जैसा जोमेटो में हमने बताया था वैसा ही अब कार ट्रेड में भी यही है कि इनका जो ये प्री आईपीओ का ये जो लॉक इन पीरियड है वो लॉक इन पीरियड एक साल का जो लॉक इन पीरियड है वो अब कल जो है 20 अगस्त को वो खत्म होने वाला है। तो इसी के चलते अब ये जो लॉक इन जो फ्री हो जाएगा तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स, कितने लगभग 57% ऑफ जो इनकी शेयर कैपिटल है जो ऐसी थी जो लॉक इन थी इस रूल के चलते वो अब फ्री हो सकती है, फ्री हो जाएगी, जिसमें अब जो भी अगर शेयर होल्डर्स हैं वो अब इसमें बिकवाली कर सकते हैं। एक ओवरव्यू अगर मैं आपको ये दे दूं तो ये अगर इनका जो आईपीओ का प्राइस था वो आईपीओ का प्राइस 1618 था, वहां से अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो मौजूदा भाव अभी लगभग 61% नीचे है। तो कार ट्रेड के लिए भी यही है कि इनका अब जो एक साल का जो लॉक इन है वो खत्म होने वाला है और 51% जो इनकी शेयर कैपिटल है वो फ्री होने वाली है मार्केट में बेचने के हिसाब से। तो कार ट्रेड का भी एक साल का लॉक इन खत्म हो सकता है। लॉक इन का 1599-1600 पे लिस्ट हुआ था, 650 रह गया। तो अगर कल किसी को बेचना है, ये पिछली बार किसने बेचा था? जोमेटो में बिका था। वैसे अब इनका भी एक साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया। लेट्स सी कल क्या कुछ होता है। सिद्धार्थ जी की कोई राय कार ट्रेड पर? सिद्धार्थ जी जी नहीं अनिल जी, और स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है कार ट्रेड, तो मैं मानता हूं कि प्रेशर रहेगा प्राइस पे और इस पे हम कोई राय नहीं देते। जैसे जोमेटो पे प्रेशर था वैसे ही कार ट्रेड पे भी रहेगा। ये पूरे ही स्पेस में मैं मानता हूँ कि एक दो कंपनियां ही है प्लेटफॉर्म बिजनेस या नए जमाने के बिजनेस में, एक तो जो आप स्टोरी कर रहे हैं IRCTC और दूसरा होगा एफएल इंडिया। ये दो कंपनियों पे मैं अच्छा पॉजिटिव व्यू रखता हूं।